विपिन जी जी है? अरे राजू श्रीवास्तव बोल रहा हूँ मुंबई से, कैसे हो? अरे सर 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 राजू जी बढ़िया सर। अरे बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके। ये बताओ कि तुम जमीन पे कब आए? बहुत उड़ रहे थे सुना है। हाँ थोड़ा सा एडवेंचरस करने गए थे कुछ, और वो कुछ ज्यादा ही एडवेंचरस हो गया। तुमको ये चने के झाड़ पे चढ़ाए किसने? कौन दोस्त था जिसका ये आइडिया था? सर थे तो हम पांच दोस्त गए थे और चार कमीने होंगे थोड़ा सा वो क्या कहा तुम्हारे भी दोस्त कमीने टाइप के हैं? मेरे हैं तो हैं कमीने। बिल्कुल सर, हर किसी की जिंदगी में कुछ हरामी और कमीने दोस्त होते हैं, तो वो हमारी जिंदगी में भी कुछ हमारी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही हरामी दोस्त हैं। ज्यादा ही हरामी दोस्त। ओके तो एक मेरा बहुत पुराना शेर है वो तुम्हारे ऊपर बड़ा फिट बैठ रहा है। पुराना शेर है, खुदी को करके बुलंद इतना चढ़ाओ जैसे तैसे, खुदी को करके बुलंद इतना चढ़ाओ जैसे तैसे, खुदा ने बंदे से खुद पूछा अबे विपिन अब उतरेगा कैसे। अब बस यही कह सकता हूँ सर कि 100-200-500 ज्यादा ले लो बस, लेकिन उतार दो खुदा। तो अभी तो तुम्हारे तुम पहले आदमी होगे जिसके पैर भारी हो गए थे। कह सकते हैं सर ऐसा कि पैर भारी हो गए थे, बिल्कुल हो गए थे। लेकिन वो जो पीछे जो तुम्हें ठोकर मार रहा था वो वो बड़ा बदमाश था, तुम अपनी भाषा में बोलो क्या बोल रहे थे, हरामी क्या? सर वैसे मैं इतनी मतलब जो मैंने श्लोक और जो संपुट लगाए हुए थे वो इतने मैं प्रयोग करता नहीं हूँ, लेकिन वो जिंदगी के आखिरी पल लग रहे थे इसलिए सब पूरा उसको मैंने भर भर के अपना दिया, भर भर के दिया। पता तो आप तुम्हारी सबसे सबसे अच्छी बात क्या लगी पता है? जो आज तक मैंने पूरी दुनिया में किसी से नहीं सुनी, तुम खुद को गाली दे रहे थे। हाँ कि मैं ही मत पहला आदमी, इसका तो तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए। नहीं सर मैं वायलेंस नहीं कर सकता ना किसी और को देखे। हाँ तुम्हें दादा भालके उस फील्ड का। अच्छा ऊपर जब हाइट में थे तो ऊपर से उत्तर प्रदेश कैसा लग रहा था? सर उत्तर प्रदेश जब नीचे देखता तब उत्तर प्रदेश दिखता ना सर, कुछ दिख ही नहीं रहा। एक बार देखा है दोबारा कभी देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। हाँ उत्तराखंड क्या देखोगे, तुम्हारा तो खंड खंड हो गया था। बस यही चल रहा था आई मम्मी रे आई दादा रे आई बाप रे। सारे रिश्तेदारों को तुमने याद किया वहाँ, अरे अम्मा अरे बप्पा अरे दैया। और विपिन आप क्या करते हो? मेरा सर टाइल्स का शोरूम है यहाँ बांदा। टाइल्स का? अच्छा अच्छा हाँ। चलो अच्छा पाइल्स का नहीं। नहीं वो हो सकता था अगर लैंडिंग सेफ। हाँ अगर तुम और थोड़ी देर हवा में रहते तो पाइल्स का बिजनेस हो जाता। वो भी हो ही जाता। ये बात बिल्कुल सही है। सो ये हम लोगों ने यार इतनी मेहनत की और इतने शोज किए इतने एपिसोड किए तब मशहूर हुए और तुम एक झटके मशहूर हो गए। सर ये अपने जो सोशल मीडिया के भाई होते हैं ना उनके अंदर बहुत ताकत होती है। अपने सोशल मीडिया के यारों ने ये जो मतलब बवाल मचा दिया तो ये तब उन्हीं की कृपा उन्हीं की दुआ उन्हीं की दया है। सही बात कि आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। एक एक और देखो महिला है वो रानू मंडल वो वो भी देखो हिट हो गई तो वो तो अद्भुत टैलेंट है। बहुत खुशी की बात है कि एक इतना बड़ा टैलेंट वहां से मिला और सबके सामने आ गया। ये भी सोशल मीडिया की देन है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो पॉपुलैरिटी मिली है तो इसको कोई सकारात्मक यूज करो है ना, इसका कोई पॉजिटिव है ना इसके थ्रू, और आप कुछ कुछ ना कुछ बनाते रहो चाहे हंसाने के लिए या अच्छे मैसेज के लिए करते रहो ताकि या लोगों को सुधारने के लिए या कोई ऐसा संदेश देने के लिए। तो बस ये ना हो कि इसी से तुम मशहूर हुए और फिर आगे कुछ नहीं आया।
नहीं बहुत सच, मतलब ये जो मुझको सजेशन दिया, ये सलाह दी है, वो मतलब वो एकदम की लगे रहना, यहीं के यहीं आए और यहीं खत्म हो गए, और यही सोच के अच्छे काम करो कि तुम्हें दोबारा जीवन मिला है, क्योंकि ऊपर कुछ हो भी सकता था। बिल्कुल हो सकता था सर, वो इसीलिए तो आई मम्मी और दादा पापा चल रहा था आखिरी तो उस समय आसमान और जमीन के बीच में थे, तो या तो इधर आ गए और उधर भी जा सकते थे, है ना। ऐसा ना बोलिए सर, 100-200 ले लीजिए, लेकिन ऐसा मत बोलिए। नहीं वही कह रहा हूँ कि अच्छा हुआ इधर आ गए, तो अब इसका इसका यूज अच्छे काम में कर लो, है ना। हाँ सब सबकी दुआओं से तुम इस तरफ आए हो ना, नहीं तो चंद्रयान 3 हो जाते सीधे ऊपर लैंड होते। हाँ ठीक है, लेकिन इस पॉपुलरिटी का यूज अच्छे काम के लिए करो, है ना। हाँ सर, मुझको सर 2-4 जैसे ब्रांड्स ने अप्रोच किया है, तो जो भी वहाँ से आई हुई अर्निंग है वो पूरी मैं अभी नेक्स्ट मंथ जा रहा हूँ केरला। हाँ, हाँ, और उड़ीसा, तो वहाँ जाकर जो भी अभी अपना फ्लड हुआ था, तो जो भी वो अर्निंग है पूरी, जो भी 10-50 हजार लाख रुपए आई है, हाँ, तो पूरी जाके वहाँ पर लोगों को हाँ, वो करो। ओके ओके विपिन, बी हैप्पी, खुश रहो, मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बात करके सर आपसे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई।